तो आपको खरीदने आपकी साइज के हिसाब से परफेक्टली शर्ट। तो इस वीडियो को आखिर देखते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे 5 रूल्स देने वाला हूँ जिससे आप ले एक परफेक्टली शर्ट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जो आप शर्ट रेडीमेड शर्ट लेने जाते हैं वो यूनिवर्सल साइज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। क्योंकि यूनिवर्सल साइज कहने का मतलब जो आपके एज के बच्चे हैं, जो आपके साइज के बच्चे, उन सबको ऐसे ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे 5 रूल्स देने वाला हूँ जिससे आप अपने लिए परफेक्टली शर्ट ढूंढ सकते। तो वीडियो को आगे दे देते हैं, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियो आपकी तरफ लाते रहते हैं। तो फर्स्ट रूल है शॉर्ट फिटिंग। जी हाँ, शॉर्ट फिटिंग आपके शॉर्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट फिटिंग आपके लेवल को वन लेवल अप करता है। तो आपकी शॉर्ट फिटिंग कितनी होनी चाहिए? शॉर्ट फिटिंग ज़्यादा फिटेड भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, वो मीडियम साइज की होनी चाहिए। अगर आप अपने लिए परफेक्टली शॉर्ट फिटिंग का साइज लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? फर्स्ट, ये आपको मस्कुलर रूप क्रिएट करने में मदद करता है। सेकंड, ये लॉन्ग टर्म तो चलता है, आप इसे लंबे समय तक पहन सकते हैं। थर्ड, ये आपको अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करता है। इन केस आपको एक शर्ट पसंद आ गया और उसकी साइज अवेलेबल नहीं है तो उसे खरीद कर कम से कम टेलर के पास अल्टर आप जरूर करवाएं, क्योंकि शॉर्ट फिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट फिटिंग आपको आपके हिसाब से लेनी चाहिए, आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और सेकेंड है लेंथ। जी हाँ, लेंथ, अब आपकी शॉर्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? चाहे आपकी हाइट कुछ भी हो, कुछ भी आपकी हाइट 6-7 फीट हो कि 5 फीट हो, आपको कितनी भी हो, आपको सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जो आपकी वेस्ट है जी हाँ उससे थोड़ी नीचे और जो आपकी मतलब पैंट की जो पॉकेट है उसके बीच में आपकी शर्ट की लेंथ खत्म होनी चाहिए। जी हाँ, ये सिंपल सा है कि आपको सिर्फ आपकी वेस्ट जो होती है उससे नीचे, उसके थोड़े नीचे और आपकी शर्ट की जो पॉकेट है वहाँ पे आपकी पैंट की शर्ट की लेंथ जो है खत्म हो जानी चाहिए। तो ये हो गया लेंथ के बाबत में, आपको लेंथ भी हमेशा ध्यान में रखनी है। थर्ड रूल है स्लीव्स। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि स्लीव्स की साइज कितनी होनी चाहिए। स्लीव्स की साइज जो आपका हैंड है, जो आपका हैंड का रिस्ट है उसके एग्जैक्टली ऊपर जो है आपके स्लीव्स खत्म हो जानी चाहिए, ना उससे आगे ना उसके पीछे। जी हाँ, अगर आगे पीछे खत्म हो रहे तो वो हिसाब से आपके साइज के हिसाब से नहीं है। तो स्लीव्स आपके हैंड के रिस्ट के ऊपर खत्म हो जाने ही चाहिए। तो ये हो गया थर्ड स्लीव्स। तो फोर्थ है शोल्डर लेंथ। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि शोल्डर की लेंथ कहाँ खत्म होनी चाहिए। तो शोल्डर की लेंथ कहाँ खत्म होनी चाहिए? शोल्डर जो जहाँ से आपके स्लीव शुरू होती है, जो आपके हैंड के स्लीव शुरू होती है उसकी जो सिलाई है वो शोल्डर पर एग्जैक्टली आनी चाहिए, ना उससे नीचे आनी चाहिए ना उससे ऊपर जाए। जी हाँ, शोल्डर पर एग्जैक्टली आनी चाहिए तभी आपका शर्ट आपके हिसाब से आएगा, क्योंकि शोल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी सिलाई होती है, जो आपकी शर्ट की सिलाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक वो आना चाहिए आपके परफेक्टली आपके शोल्डर्स के ऊपर। तो ये हो गया शोल्डर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो फिफ्थ है टॉर्सो। जी हाँ, आप टॉर्सो किस बला का नाम है? तो टॉर्सो एक ऐसा हैक है जिससे आप अपने शर्ट की क्वालिटी को पता कर सकते हैं। जी हाँ, जो आपकी शर्ट की क्वालिटी उसको पता कर सकते हैं। सिंपली आपको आपका शर्ट पहनना है और नीचे बैठना है 1 मिनट। नीचे बैठने के बाद आपको जब खड़ा होना है तो देखना है कि अगर आपके शर्ट के ऊपर सिलवटें आते हैं तो आपका शर्ट की क्वालिटी ख़राब है। अगर आपके शर्ट के ऊपर सिलवटें नहीं आते हैं तो वो शर्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, आपकी शर्ट की क्वालिटी जब भी आप चेंज चेक करें तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको शर्ट को पहनकर खड़ा होकर सिलवटे नहीं आते तो अच्छा है, अगर सिलवटे आते हैं तो आपके लिए शर्ट की क्वालिटी हिसाब से नहीं है। तो ये थे कुछ ऐसे 5 रूल जिससे आपको शर्ट खरीदने में बहुत ज़्यादा इजीली हो सकती है। तो वीडियो को आकर देखने शुक्रिया, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।